इज लवली. ये मेरी फैमिली में द लास्ट मैरिज, दिस इज द थर्ड वन, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल मतलब हो गया हूँ, मतलब सब ऑर्गेनाइज करने में. तो अगर किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. क्या बात सलमान जी कह रहे हो, क्या कहेंगे? दोस्तों, मेरा नाम सागर सलमान पांडे है, और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बैठे हैं ये मिस्टर दिलीप गुलाटी हैं, जिन्होंने मुझे यूपी से लाके मुंबई में एक मुकाम दे दिया और सागर को सागर सलमान बना दिया. तो इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ तो बनती है. और अब बता दूँ कि आज इनके बेटे एक ही इनको सन है, मिस्टर भरत गुलाटी. आज उनका हल्दी मेहंदी का ये फंक्शन है, उस फंक्शन में मैं आया हूँ और बहुत धमाल करूँगा. अभी शुरू है और देखिए आगे. आपका कहना है? हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जडेजा, और दिलीप गुलाटी सर जो है हमारे गुरु है, कैमरा फेस कराने वाले ये हैं. जो आज मैंने मोर देन गुजराती 50 मूवी मैंने किए बिकॉज सर के वजह से. मुझे कैमरे के आगे बहुत डर लगता था जब फर्स्ट मूवी मैंने किया था 1998 में, बट आज इनकी वजह से 50 मूवी कर चुका हूँ. और बहुत बहुत बधाई हो सर लड़के के लिए. थैंक यू सर. आप लोग सब आए हैं, ये मेरे लिए एक मैं कर्जदार हूँ आप सब लोग. अरे नहीं नहीं सर, हमारा फ़र्ज़ है. और ये कैप्टन की शादी, हम प्यार से कैप्टन बोलते हैं उनको, इनके लड़के को. और आज थर्ड शादी में हम आ रहे हैं, बट आज ये बोले कि लास्ट फंक्शन घर का जो है तो बहुत धूमधाम से हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. और सर बहुत खुश है. मैं जो मैडम है जिनको दीदी बोलता हूँ, राखी बंधन, वो भी बहुत खुश है. और थैंक्स फॉर मीडिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग ने. सर मेरी अभी एक वेब सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली इसी महीने में शूटिंग थी, बट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन की वजह से प्रोड्यूसर्स को डिले करना पड़ा. और नेक्स्ट मंथ हम फ्लोर पे जा रहे हैं, इट्स न्याय द जस्टिस. और अच्छी स्टार कास्ट के साथ कर रहे हैं, अर्शिन मेहता है और अश्मित पटेल है, जयाप्रदा जी हैं, शक्ति कपूर जी हैं, और अमन वर्मा जी हैं, गैबी छहल है, सोमी खान है. गुड स्टार कास्ट है, और 8 एपिसोड्स में बना रहे हैं, वो अभी शुरू हो रहा है. दूसरा मेरी एक अभी एक मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ भोजपुरी फिल्म करके आया हूँ, जिसमें शक्ति कपूर को फर्स्ट टाइम मैंने भोजपुरी फिल्म में लॉन्च किया है इन द नेगेटिव कैरेक्टर विद रानी चटर्जी. द टाइटल इज़ लेडी सिंगम. उस पर भी कर रहे हैं. और अभी मेरा एक और हिंदी प्रोजेक्ट फ्लोर पर जाने वाला है, द टाइटल इज़ इंडियन वेडिंग. समवेयर इन जनवरी वी आर लॉन्चिंग दैट प्रोजेक्ट. तो बस इस तरह से काम कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है. मेहंदी है आज हमारे बड़े भाई साहब उनके बेटे की, हमारे भतीजे की. बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और दिलीप जी तो कोई भी जो प्रोग्राम रखते हैं वो माशाल्लाह रंग आप ही आप छा जाता है. गॉड ब्लेस. ही इज़ हिमसेल्फ अ सेलिब्रिटी. जो लोग आते हैं वो भी चार चांद लगा देते हैं. ढोल वगैरह रखा है, डीजे रखा है, ऑल द फन. वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. पूरा रंगीन जैसा मेहंदी फंक्शन होता है वो हिसाब से रंग बिरंगा करके रखा है. जय माता दी. एवरीबडी इज एंजॉइंग. गॉड ब्लेस द कपल. जय माता दी. हमारे समधी हैं जलपुर साहब, इनकी मिसेस, ये हमारी बेटी पीछे यहाँ पे, और ये हमारा बेटा. और अभी हम इसको बेटी मानते हैं, हमारे घर में आई है तो बेटी की तरह है. और मेरी वाइफ कोमल, और सागर साहब को तो जान दी यहाँ. आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत अच्छा है, ऐसा लगता नहीं है टेरेस पर हुआ है, ऐसा लगता है कोई अच्छा हॉल है. हाँ, जरा भी महसूस नहीं हो रहा है, बहुत मस्त हुआ. दिलीप जी क्या कहना चाहिए? खास दोस्त है मेरा. सर जी इंडस्ट्री में इतना नाम है, इतना उन्होंने मुकाम पाया है, आपका कहना चाहिए? देखो, उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है. इनकी दोस्ती मेरे 2 साल से है, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं उनका फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस है. लेकिन जैसे रिलेशन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो और भी पता चलेगा इनकी सब टैलेंट. और कल ये क्या बोलते हैं उसको, खूबियाँ. दिलीप जी, हर किसी का ख्वाहिश होता है कि सांस्कृतिक पाहुन घर में आए और अच्छा पूरे परिवार को लेके साथ में चले. आपकी भी ऐसी कुछ ख्वाहिश रही होगी? और आपने अपने बहू में होने वाले बहू में क्या कुछ खास बातें देखी वो शेयर करना चाहिए?
बस आपने जो शब्द यूज़ किया है सांसारिक, वो मुझे दिखा उसमें, वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी बहू आए, और जिस घर में बहू आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को कि वो जिस दिन आती है आप उसको भूल जाओ कि वो बहू है, आप उसी दिन उसको अपना लो कि वो आपकी बेटी है। और अगर ये बात आपके माइंड में आ जाएगी तो मुझे लगता है वो घर खुशियों से भर जाएगा। बस आपको इतना सा सोचना है कि बहू नहीं बेटी है, बस इतनी सी बात है। It feels good, everyone's together, so it feels good. Everyone's here to give their love and support, so it feels really good. And about Bhakti, I've known her for almost a decade now, so it is, we have that comfort level, so we're more like friends than भक्ति की कोई भक्ति की एक भक्ति well, I have to say something nice. She's always smiling, so that's a good thing about her. She's always smiling and she's been supportive, so that is a good thing. That's not my मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी और घर में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाए कि मैं दूसरे घर जा रही हूँ, अपने घर जैसा ही लगता है मुझे। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक घर से दूसरे घर जा रही हूँ, अपना ही घर लगता है, क्योंकि मुझे कभी उन्होंने ऐसे फील ही नहीं करवाया कि मैं उनकी बहू हूँ, बेटी जैसे ही हमेशा ट्रीट किया है, कोई डिफरेंस नहीं किया। एक ही बात बोल सकती हूँ कि मुझे शायद भरत जैसे कोई मिलता नहीं, बस, और मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही शब्द में बोलूँगा, नोबडी इज़ लाइक हिम। जी ये है कि मैं शुरुआत तो आज फंक्शन को ऐसे है, लेकिन ये शुरुआत बहुत दिनों से है। और जब मैं भरत को तो मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, मुझे दिलीप जी जब मुझे फिल्म में लॉन्च किया तब भरत और ब्यूटी और भूमिका ये सब बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग एक स्ट्रगल करते थे घर पे आके, और फिर भरत बहुत छोटे थे, उनको कैप्टन बोलते हैं, और आज एक्चुअल में हमारी टीम के कैप्टन हैं और हम सब उनके पीछे ट्रेन में बैठ कर चल रहे हैं और असिस्टेंट कैप्टन। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब पहली बार मैं भक्ति को देखा हूँ ना यार, सही जोड़ी है और इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा कैप्टन ऑलवेज कैप्टन है।